So good morning friends, once again welcome to our irrigation engineering lecture. Today we will be learning the evapotranspiration, something about the crop rotation, assessment of the irrigation water. We have seen what is evapotranspiration. We have tried to understand evapotranspiration is nothing but the consumptive use. Consumptive use, again, the water used by the plant for its growth, for its consumption. So there again, that water or that irrigation water is used by the plant for its growth, that is for the photosynthesis, as well as transpiration, that is the evaporation through the leaves or the stomata of the leaves of the plant, and the evaporation through the soil in which the plant is sown, as well as the water used by the adjacent or adjoining grass, etc. है ना, यानी consumptive use, यानी क्या कि एखादे plant ने या crop ने अपनी growth के लिए use किया हुआ पानी, उसके उसके जो पन्ने रहते हैं, लीव्स रहते हैं, उसमें से पानी इवेपोरेट होता है, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्योंकि हम जमीन में पानी देते हैं प्लांट के रूट तक जाने के लिए, तो जमीन से इवेपोरेशन होता है वो लॉस, और जो मेन प्लांट के क्रॉप के आजू बाजू जो वीड्स रहते हैं, WWEDS वीड्स, या जो घास पत्ता कचरा काड़ी कचरे जो बढ़ते हैं, उसको भी पानी लगता है, तो वो सब पानी जो है उसको कंजम्पटिव यूज बोलते हैं। तो अभी ये कंजम्पटिव यूज क्यों चाहिए हमें, क्योंकि ये कंजम्पटिव यूज सभी एक प्लांट, दो प्लांट या ऐसे हजारों प्लांट का जब हम कंजम्पटिव यूज या वाटर रिक्वायरमेंट की टोटल करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि भाई हमने कितना पानी सप्लाई करना चाहिए, यानी कैनाल क्या साइज का बनाना चाहिए, और हमारा जो डैम है वो हमने कितना पानी उसमें स्टोर करना चाहिए, है ना। जैसे हम ड्रिंकिंग वाटर का एखादे सिटी को प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें वो सिटी की पॉपुलेशन कितनी बढ़ने वाली है, उस हिसाब से पर हेड पर कैपिटा हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड, एंड देन अकॉर्डिंगली वी डिजाइन दी ओवरहेड टैंक्स, या जो भी हमारे ESR जिसको बोलते हैं उसको डिजाइन करेंगे, और या जहां से पानी सप्लाई करना है उसको करेंगे, वैसे ही खेती के लिए भी करेंगे। तो ये इवेपोट्रांसपिरेशन पता करने के लिए और हाउ टू मेजर द इवेपोट्रांसपिरेशन, देयर आर वेरियस मेथड्स। ओके, वी आर मेनली इंटरेस्टेड इन दैट पेनमैन मेथड, क्योंकि वो सिलेबस में हम सिर्फ लिस्ट कर लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। देयर आर वेरियस मेथड टू एस्टिमेट द इवेपोट्रांसपिरेशन और कंजम्पटिव यूज, दे आर द टैंक एंड लाइसीमीटर मेथड, है ना। ये आपको यदि याद होगा तो हमने हाइड्रोलॉजी में लास्ट टाइम लाइसीमीटर मेथड पढ़ा था, और ये कंजम्पटिव यूज भी पढ़ा था बोला। देयर वी हैव डन ऑलरेडी दिस, जस्ट वी आर रिवाइजिंग इट इन दिस लेक्चर। टैंक एंड लाइसीमीटर मेथड, फील्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स, सॉइल मॉइस्चर स्टडीज, इंटीग्रेशन मेथड, इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टडीज ऑफ द लार्ज एरिया, ये हो गया प्रैक्टिकल प्लॉट की स्टडी करके। अब दूसरी जो मेथड है, देयर आर सर्टन इक्वेशंस, दीज इक्वेशंस आर जस्ट लाइक द इम्पीरिकल इक्वेशंस, दे आर डिराइव्ड बाय सर्टन इरिगेशन स्पेशलिस्ट एज वेल एज सर्टन दिस जो इसके बॉटनीज वगैरह के जो एक्सपर्ट रहते हैं उन्होंने बनाए हुए हैं, वो है ब्लेनी क्रीडल मेथड, पेनमैन मेथड और हार्ग्रीव्स क्लास ए पैन इवेपोरेशन मेथड। ठीक है, हमको बहुत इसके डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ हमारे को जो सिलेबस में उसमें आगे जाते हैं। सो द मेथड विच इज यूज्ड बाय ऑल दिस फार्मूलीज, बाय ऑल दिस इम्पीरिकल फार्मूलीज, इज बेस्ड ऑन द वेदर डाटा और द एटमोस्फेरिक डाटा। यानी कैसा कि एखादा बेस क्रॉप लिया जाता है, एक आधा घास या एनी बेस क्रॉप इज टेकन, इसका प्रैक्टिकली इवेपोट्रांसपिरेशन निकाला जाता है। ठीक है, जैसे हमने वो लास्ट टाइम ऊपर में कुछ लिस्ट देखा था कि ये जैसे टैंक एंड लाइसीमीटर मेथड है,
तो इस मेथड से वगैरह सम बेस क्रॉप इज टेकन, सैंपल क्रॉप लाइक ए ग्रास, और उसका इवेपोट्रांसफिरेशन निकाला जाता है एक्चुअल वाटर सप्लाई करके, और इन द डिफरेंट एटमोस्फेरिक कंडीशंस लाइक समर में, लाइक विंटर में, लाइक रेनी सीजन में, है ना, हर वक्त प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट कम ज्यादा रहेगी, तो और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी वैरी रहेगा, तो उस हिसाब से इवेपोट्रांसपिरेशन निकाला जाता है। और उसके लिए उन्होंने कुछ फार्मूले डिराइव किए हैं, वो जो मैंने अपन ने अभी देखा कि भाई ब्लेन क्रेडल मेथड से टर्क एंड मेनी अदर मेथड्स, पेनमैन, थॉर्न व्हाइट रेडिएशन एक्सेट्रा, दिज ऑल आर बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर बेस क्रॉप एज वेल एज द वेदर डाटा और एटमोस्फेरिक कंडीशंस, दैट इज द टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, विंड वेलोसिटी, द सोलर रेडिएशंस एक्सेट्रा, ऑल दिस विल डेफिनेटली हैम्पर द कंजम्पटिव यूज। एंड फाइनली द एक्सपर्ट कमिटी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये वर्ल्ड लेवल की है, WHO जैसी, उसको FAO करके बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। तो इन्होंने ये पेनमैन मेथड अप्रूव कर दिया, पेनमैन एंड मॉन्टिंथ मेथड इज बीइंग अप्रूव्ड बाय दिस FAO, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसमें क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि FAO या मॉडिफाइड या पेनमैन मेथड में एक रेफरेंस क्रॉप लिया गया, वो रेफरेंस क्रॉप मे बी लाइक दी दैट रेफरेंस क्रॉप इज ग्रास ऑफ सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका नाम अल्फा अल्फा है, एक ग्रास लिया गया, सम ग्रास, एंड दैट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स आर डन ऑन दैट ग्रास, कि इसको पानी देने के बाद में ये ग्रास की जो डेवलपमेंट होती है, तो उसकी ग्रोथ, उसके कारण होने वाला इवेपोट्रांसपिरेशन वगैरह ये सब निकाला गया, और इसको बेस इवेपोट्रांसपिरेशन करके बोला गया है, दैट इज कॉल्ड एज द ETO या ET0 भी बोल सकते हैं, दैट इज द बेस इवेपोट्रांसपिरेशन ETO। एंड बे एंड दे दिस पेनमैन हैज डिराइव्ड वन फॉर्मूला, कि समझो अभी अपने को एक आधा कपासी के लिए इवेपोट्रांसपिरेशन निकालना है, तो एक उसका मल्टीप्लायर उसने ये किया, ही हैज फाउंड आउट द ETO, एंड दैट ETO ऑफ द रेफरेंस क्रॉप इज फाउंड आउट अगेन बाय द रूटीन मेथड्स, बाय द प्रैक्टिकल मेथड्स, एंड ए वन मल्टीप्लायर इज गिवन फॉर एवरी क्रॉप। जैसे समझो अभी कॉटन के लिए निकालना है, तो इवेपोट्रांसपिरेशन फॉर कॉटन ETK बोलेंगे अपन, विल बी इक्वल टू के इनटू ETO, एंड दिस के वैल्यू इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट क्रॉप्स। दिस इज द सिंपल पेनमैन मेथड दैट हैज बीन सजेस्टेड बाय द FAO, दैट इज फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट लॉन्ग फॉर्म इज देयर, ओके। सो FAO ने ये किया, और उसने उन्होंने वो जो ग्राफ ग्रास है वो एक बेस ग्राफ्स ग्रास दे हैव टेकन रेफरेंस क्रॉप, उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, उसको सरफेस रेजिस्टेंस 70 सेकंड्स पर मीटर रेस टू -1 है ना, S/m, एंड ऑल दी एल्बेडो करके बोलते हैं, तो ये एल्बेडो यानी सोलर रेडिएशन का एक्सपोजर, ये सब निकाला जाता है, और उस हिसाब से अब ये फॉर्मूला उन्होंने फाइनली, इट इज डिराइव्ड, इट इज अगेन ए इम्पीरिकल फॉर्मूला, दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल, दैट इवेपो ट्रांसपिरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉप और कंजम्पटिव यूज ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉप इन ए पर्टिकुलर सीजन, अगेन हाँ, दिस विल बी अगेन इन ए पर्टिकुलर सीजन लाइक रेनी सीजन, लाइक विंटर, लाइक समर, इज इक्वल टू के द कॉन्स्टेंट ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप मल्टीप्लाइड बाई ETO, ETO और ET0 इज द इवेपो ट्रांसपिरेशन ऑफ द बेस्ट क्रॉप, दैट बेस्ट क्रॉप इज कंसिडर्ड एज द ग्रास, सम सर्टन स्टैंडर्ड ग्रास इज टेकन फॉर विच विल राइज टू यूनिफॉर्म हाइट, विल बी एक्सपोज टू द टेम्परेचर,
to certain temperature, moisture content, wind velocity, etc. And the value of the K is found to be 0.5 to 1.3. Aisa unhone for the various crops. This is in short a modified Penman method. ठीक है? So this much is sufficient for you to write down in your exam. It is also given in your notes also. So there are various methods to find that the evapotranspiration or consumptive use. Some practical methods are there, like the lysimeter, field method, etc., etc., and some empirical formula method. Out of those, the various formulas are given by the various scientists. But the Penman formula is used by the FAO, and it has been worldly recognized. And that formula is equal to ET, evapotranspiration of particular crop, is equal to K. K is the constant value for the various crops multiplied by ET0 or ETO. ETO is the evapotranspiration of a base or a particular grass, particular crop. Iska ek bar nikala, to baki crop ke liye ye multiplier apply kiya, to hume evapotranspiration milega. Us hisab se hum kaun sa crop irrigate karne wale hai. और उस हिसाब से वी कैन फाइंड आउट बेस्ड ऑन दैट इवेपोट्रांसपिरेशन दैट इज द कंजम्पटिव यूज दैट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज बाय द प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ. तो ये पानी हम बहुत सारे प्लांट का, यानी एक एकड़ का, दो एकड़ का, हजारों एकड़ का जब टोटल करते जाएंगे तो हमें कैनाल से कितना वाटर सप्लाई करना है और डैम में कितना स्टोर करना है ये पता चलेगा. तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो इसलिए पढ़ रहे हैं. चलो अब आगे जाते हैं. द नेक्स्ट वी विल मूव इन टू अवर सिलेबस एज पर अवर सिलेबस दैट इज द क्रॉप रोटेशन. है ना, अपने यहाँ से बहुत सारे मैक्सिमम लड़के, एक दो को छोड़ा तो सभी के यहाँ खेती है. तो वो हम क्या करते हैं बहुत बार खेती में, कि एक बार एक साल में सोयाबीन लेते हैं. है ना, जस्ट समझ लीजिए क्रॉप रोटेशन यानी क्या, कि एक साल या एक सीजन में सोयाबीन लेते हैं तो अगले साल वही खेती में हम फिर से सोयाबीन नहीं लेते, वही खेती में कुछ तो भी हम कॉटन लेते हैं, और नेक्स्ट साल में वही खेती में हम गेहूं लेते हैं, और अगले साल में फिर से सोयाबीन लेंगे. सो व्हाट वी डू, वी नेवर टेक रेगुलरली द सेम टाइप ऑफ द क्रॉप इन द फील्ड एवरी ईयर. ओके, व्हाई वी डू लाइक दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हर क्रॉप की वो खेती, हर क्रॉप की एक न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सरी की रहती है. जैसे सोयाबीन की है तो उसको वो खेत में से नाइट्रोजन ही ज्यादा लगेगा, दूसरा कोई है कॉटन है तो उसको शायद सल्फर और फॉस्फोरस लगेगा, तीसरा और कोई राइस है तो उसको वो खेती में से वही न्यूट्रिएंट ज्यादा लगेगा. और वही वही क्रॉप यदि हम हर साल लेते गए तो क्या होता है कि वो खेती में का वो न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है, कम होता है, और कुछ सालों के बाद में वो जो खेती है वो खेती करने लायक नहीं होती या अनकल्टीवेटेड लैंड हो जाती है, वो उसमें फिर से खेती करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और क्रॉप होता नहीं है. वह ऐसे खेती को फैलो लैंड करके बोलते, FALOW, फैलो या अनकल्टीवेटेड लैंड. तो ऐसा ना हो, देयरफॉर टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ फैलो इज डन बाय रोटेटिंग द क्रॉप्स. मींस एवरी ईयर द नेचर एंड टाइप ऑफ द क्रॉप सोन इन ए पर्टिकुलर फील्ड इज चेंज्ड ईयर बाय ईयर, ईयर आफ्टर ईयर. ठीक है, मुझे लगता है आपके ध्यान में आ गया है व्हाट इज द क्रॉप रोटेशन. मींस नेचर एंड टाइप ऑफ द क्रॉप सोन इन ए पर्टिकुलर फील्ड इज चेंज्ड ईयर आफ्टर ईयर. व्हाई, बिकॉज द सॉइल ग्रेजुअली लूजेस इट्स फर्टिलिटी इफ द सेम क्रॉप इज सोन, SOWN, सोन यानी फिर से लगाया गया एवरी ईयर, एंड द सॉइल फील्ड हैज टू बी अलाउड टू लाइ फैलो. ऐसा भी करते हैं फिर बहुत बार हम, कि एक आधे साल खेती करते ही नहीं है, वो जमीन को ऐसे ही रहने देते हैं और फिर वो अगले साल उसमें खेती करते हैं.
ऐसे फैलो रहने की या अनकल्टीवेटेड लैंड या बैरन लैंड रखने की बजाय यदि हम हर साल यदि क्रॉप रोटेट करते हैं, क्या है हर क्रॉप कुछ न्यूट्रिशन खेती में से लेता भी है, लेकिन वो क्रॉप न्यूट्रिशन खेती को देता भी है। जैसे सोयाबीन है, वो तो वो एक्सट्रैक्ट करता है, बट इट ऑल्सो गिव सर्टन न्यूट्रिशन टू द लैंड, तो इसलिए दूसरे क्रॉप के लिए वो यूजफुल होते हैं। सो दिस इज द पर्पज ऑफ द क्रॉप रोटेशन, नेसेसिटी ऑफ द क्रॉप रोटेशन वी हैव सीन, बिकॉज दिस पर्टिकुलर क्रॉप ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर द सॉइल गेट्स डेफिशियंट इन द प्लांट फूड फेवर बाय दैट क्रॉप। इफ डिफरेंट क्रॉप्स आर टू बी रेज, देयर वुड सर्टनली बी मोर बैलेंस फूडिंग एंड सॉइल डेफिशियंट इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज अलाउड टू रेस अप। ठीक है, तो ये क्रॉप और बाकी भी है कि क्रॉप डिसीजेस एंड इंसेक्ट पेस्ट, यानी एक ही टाइप का क्रॉप यदि हम लगाते हैं, तो जैसे कॉटन ही लगाते हैं, तो कॉटन लगाने के बाद में क्या है कि उसके जो डिसीजेस है वो फिर से अगले साल वो कॉटन के उसमें रहने के कारण वो जमीन में रह जाते हैं, और अगले साल कॉटन लगाया कि उसको फिर से वो डिसीजेस होते हैं या वो कुछ पे। सर, हाँ हेलो, हेलो हाँ सर, बोलो बोलो। स्क्रीन नहीं दिसत है सर। स्क्रीन दिसत नहीं है का? आता पर्यंत हाँ, दिसत होती का? विजिबल नहीं सर, विजिबल अस नहीं है। आता विजिबल आए का? आता स्क्रीन विजिबल आहे? हां हो सर, चल, केव्हा तरी मध्ये डिस्कंटिन्यू झाली वाटत। ठीक आहे, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉप रोटेशन। सो द क्रॉप रोटेशन इज नेसेसरी फॉर द टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड ऑल्सो दिस इफ सेम टाइप ऑफ द क्रॉप्स आर सोड और टेकन एवरी ईयर द क्रॉप डिसीजेस एंड इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट एंड पेस्ट यानी इंसेक्ट यानी जमीन के अंदर के जो कीड़े वगैरह रहते हैं, और कुछ जो जीव जंतु रहते हैं कुछ उसको पेस्ट बोलते हैं, जो उड़ते हैं या कुछ ऐसे, वो भी प्लांट को खाते हैं और कम करते हैं, तो इसलिए वी गो फॉर द रोटेशन ऑफ द क्रॉप। ठीक है, अप टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव फिनिश्ड द कंजम्पटिव यूज, वी हैव सीन व्हाट इज इवेपोट्रांसपिरेशन, देन वी हैव सीन द मेथड्स टू फाइंड आउट द इवेपोट्रांसपिरेशन दैट इज मॉडिफाइड पेनमैन मेथड, एंड नाउ वी आर इनटू द क्रॉप रोटेशन। ओके, नाउ द वेरियस टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स आर रोटेटेड क्रॉप्स आर द क्रॉप रोटेशन टेकन प्लेस इज लाइक दैट, इफ वन ईयर वी टेक व्हीट, देन नेक्स्ट ईयर वी विल गो टू द ग्रेट मिलेट एंड देन वी विल गो टू द ग्राम, यानी दाली दाल वगैरह जो रहती है, चना दाल वगैरह, या एकादे बार एकादे साल राइस लिया तो नेक्स्ट साल में हम फिर से चना दाल उसमें लेना चाहिए, कॉटन लिया तो अगले साल उसमें व्हीट लेना चाहिए, फिर उसके अगले साल कुछ तुअर दाल या चना दाल लेना चाहिए। कॉटन व्हीट एंड ग्राम, कॉटन व्हीट शुगर क्रेन, कॉटन ग्रेट मिलेट ग्राम, यानी जवार वगैरह जो रहती है वो लेना चाहिए बीच में, कॉटन और ग्राम के बीच में, चना दाल वगैरह के बीच में। सो द रीजन फॉर ग्राम बीइंग वन इन वेरियस रोटेशन कॉम्बिनेशन इज लेग्यूमिनस क्रॉप गिविंग नाइट्रोजन टू द फील्ड, यानी हम ये जो दालें हैं कि जैसे चना दाल है या और कोई तुअर दाल है, तो वो इसलिए, या सोयाबीन है, तो वो इसलिए लेना चाहिए हर 2-3 साल में एक बार, क्योंकि वो खेतों को नाइट्रोजन देता है। ठीक है, तो ये क्रॉप रोटेशन इसको बोलते हैं, और ये एकाधे बार एकाधी शॉर्ट नोट एग्जाम में जरूर आती है इसके ऊपर, तो हमें इन शॉर्ट मालूम रहना चाहिए। अभी हम आगे में जाते हैं,
एक बार सिर्फ मैं कंफर्म करता हूं कि मेरी आवाज आपको आ रही है और स्लाइड भी दिख रही है। यस हाँ चलो बस, थैंक यू वेरी मच। कोई भी इनिशिएटिव लेके यस सर बोल दिया था, आई गेट एश्योरेंस। नाउ फ्रेंड्स, वी आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज असेसमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। वी ऑल नो दैट इफ एनीथिंग इज गिवन फ्री ऑफ चार्ज, है ना, कोई भी चीज यदि हम फुकट में देते हैं तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्चा करती है डैम के ऊपर में, करोड़ों रुपए कैनाल के ऊपर में खर्चा करती है, और क्षेत्र काश्तकार जो है, जो फार्मर है, वो फार्मर के खेत में पानी देती है। और द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी गुड। ओके फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट इज नथिंग बट गवर्नमेंट इज नॉट ए डिफरेंट देन वी। हमारे से अलग है क्या गवर्नमेंट? हम हरदम ये सोचते हैं कि ये चीज गवर्नमेंट ने करना चाहिए, वो चीज गवर्नमेंट ने करना चाहिए। तो गवर्नमेंट कौन है आखिर में? तो गवर्नमेंट भी हमारा ही पार्ट है। गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाती है? क्या गवर्नमेंट को लॉटरी लगी है कि गवर्नमेंट के पास प्रिंटिंग प्रेस है नोटा छपाने की? ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स, गवर्नमेंट यानी कोई तो भी, जैसे हमारे क्लास में एक आधा हमारा सीआर रहता है, आइदर द लेडीज सीआर और द जेंट्स सीआर, कोई तो भी एक आधा सेक्रेटरी रहता है। सो ही इज द गवर्नमेंट हु इज गवर्निंग ऑल दिस थिंग्स इन अवर क्लास। सो द सेम वे गवर्नमेंट में है कि वो हमारे में से ही कोई लोग रहते हैं, वो चुन के जाते हैं या कोई एग्जाम देके सिलेक्ट हो जाते हैं। व्हाट आई मीन टू से दैट द वाटर इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। वी थिंक दैट द वाटर शुड बी गिवन फ्री ऑफ चार्ज टू द फार्मर्स। इफ वी गिव समथिंग फ्री ऑफ चार्ज टू एनीबडी, देन ही विल नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस ऑफ दैट थिंग। यदि हम पानी खेतों को पोकट में देते हैं तो वो किसी काश्तकार को उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ये पहली बात हो गई। और दूसरा क्या है कि हमें डैम बनाने के लिए, हमें कैनाल बनाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। वी एक्सपेंड क्रोर्स ऑफ द रुपीज, जिसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे आप। और बाद में एक बार ये बनाने के बाद में सालों साल, है ना, आप लोगों के आजू बाजू भी कैनाल और डैम जरूर हो गए, आप जहां रहते हैं, तो उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। उसको मेंटेन नहीं किया तो फिर से वो सिस्टम फेल हो जाती है। डैम में कचरा आ जाता है या सिल्ट से भर जाता है, कैनाल में झाड़ हो जाते हैं, ग्रास हो जाता है, उसको साफ नहीं किया तो खेतों में पानी नहीं आएगा, तो उसको भी खर्चा आता है। कोई फुकट में तो कोई चीज होती नहीं है, तो खर्चा कहाँ से लाएंगे? वेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट विल ब्रिंग द एक्सपेंडिचर? सो देयर फोर सम पार्ट, 100% नहीं, फिर भी बहुत कम पार्ट, सम पार्ट इज चार्ज टू द फार्मर अगेंस्ट द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड फॉर द इरिगेशन। दैट चार्जेस आर कॉल्ड एज द असेसमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। The fixation of the nominal charges for the water supplied for irrigation to the farmer by government is known as assessment of irrigation water. As I have told you, that assessment or that recovery of cost of the water is not 100%. यदि ये पानी की actual 1 liter की cost निकाली जाए तो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। जो आज हमारे से आप जो पीने का पानी खरीदते हैं कहीं होटल में, रेलवे स्टेशन पे, तो 15-20 रुपए की बोतल आती है 1 लीटर की, और वही क्वालिटी का वाटर, द सेम क्वालिटी या उससे भी अच्छा वाटर, गुड क्वालिटी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर इज बीइंग सप्लाइड बाय आवर कॉर्पोरेशन एट वेरी मीगर रेट, यानी हार्डली 7 या 8 पैसा पर लीटर से हमारे से रिकवरी होती है। जो हमारी कारपोरेशन, जो हमें नागपुर म्यूनिसिपल कारपोरेशन, भंडारा, गोंदिया, ब्रह्मपुरी जो कारपोरेशन है, वो जो घर में पानी आता है ना नल का, उसकी कीमत सिर्फ 7 या 8 पैसा, ये भी ज्यादा ही बोल रहा हूं मैं, पर लीटर ये कॉस्ट है। और वो प्यूरिटी उतनी उसकी उसकी उतनी ही है जितनी आप बॉटल का पानी खरीद के पीते हैं,
उससे भी अच्छा है ये, वो लेते हैं हम 15-20 रुपए, और ये देता है कारपोरेशन 7-8 पैसा, वो भी हम उसका बिल बहुत कम बार भरते हैं। तो ऐसा ही क्षेत्र काश्तकार से या फार्मर से जो खेती के लिए पानी सप्लाई करते हैं उसको जो वसूली की जाती है उसको असेसमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर बोलते हैं। क्यों करना है असेसमेंट? द चार्जेस मस्ट बी लेविड ऑन द फार्मर फॉर द फॉलोइंग रीजन: टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, टू रिकवर मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द वेरियस वर्क एंड स्टाफ फॉर सर्टन इंप्रूवमेंट, है ना? तुम्हारे मेरे जैसे इंजीनियर रखते हैं कि नहीं वहां पे, वो डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कैनाल के लिए, फिर बाद में मेंटेनेंस के लिए कोई लेबर भी रहते हैं तो उसके ऊपर भी खर्चा आता है। टू कलेक्ट सम रेवेन्यू फॉर द नेशन, कुछ पैसा जो है उसमें का हमारे देश के लिए भी काम आए, लेकिन ये बहुत कम रहता है। यानी समझो मैंने जैसे बताया कि खर्चा आया 10 रुपए, तो हार्डली 10 पैसे वसूल करते हैं। टू चेक द कल्टीवेटर अगेंस्ट अन इकोनॉमिकल एंड केयरलेस यूज ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम फुकट में पानी देते हैं तो वो बिल्कुल अन इकोनॉमिकल, जैसा चाहे वैसा पानी वेस्ट करेंगे एंड इट विल बी यूजलेस। सो देयरफॉर देयर आर वेरियस मेथड्स टू असेस द कॉस्ट ऑफ द इरिगेशन वाटर सप्लाइड। वी विल सी इन शॉर्ट ऑल दीज मेथड्स, समटाइम्स ए नोट इज आस्क्ड ऑन दिस। So the assessment on area basis or crop rate basis, volumetric assessment, assessment on seasonal basis, composite rate basis and permanent assessment. ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। पांच मेथड है ये असेसमेंट करने की। द फर्स्ट इज असेसमेंट ऑन एरिया बेसिस और क्रॉप रेट बेसिस। एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम, द एरिया सोइंग क्रॉप इज रिकॉर्डेड बाय द पेट्रोल both at the time of sowing and maturity. At the end of the crop period, a demand statement for each irrigator is prepared. है ना? कि आपके यहाँ in your farm or in your agricultural area, which type of the crop is sown? Whether you are sowing a rice, you are sowing a chana, you are sowing sugar cane, है ना? उस हिसाब से आपके यहाँ पे पानी की मात्रा कम ज्यादा लगेगी। सो अकॉर्डिंगली द कॉस्ट इज फिक्स्ड, एंड एट द बिगिनिंग ऑफ सोइंग ऑफ द क्रॉप एंड एट द एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड और रिकॉर्डेड दैट हाउ मच एरिया इज बीइंग इरिगेटेड एंड अकॉर्डिंगली द कॉस्ट इज चार्ज टू द फार्मर। दिस इज असेसमेंट ऑन एरिया बेसिस और क्रॉप रेट बेसिस। हर क्रॉप के लिए रेट निकाला जाता है और उस हिसाब से वो कितने एकड़ में है उस हिसाब से उससे वसूली की जाती है या उसको बताया जाता है कि भाई साहब आपको इतने पैसे जमा करना है। दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट। द मेथड इन्वॉल्व्स लेविंग चार्जेस ऑन एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द वाटर सप्लाइड वी एन आइडियल सिस्टम अंडर विच इरीगेटर हैज एन इंसेंटिव फॉर इकोनॉमिक यूज ऑफ द वाटर एंड शॉर्टफॉल इन सप्लाईज कैन बी डिस्टिंक्टली लोकेटेड। यानी जैसे हमारे घरों में हमें वाटर चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे को चार्ज किए जाते हैं, वसूल किए जाते हैं, तो वो इस टाइप से है वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट। यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें दी गई या कितना पानी, वो वाटर मीटर रहता है हर एक के घर में, और वो वाटर मीटर के ऊपर में वॉल्यूमेट्रिकली कितना लीटर पानी आपको दिया या कितना मीटर क्यूब दिया, उस हिसाब से आपको पर लीटर ये चार्जेस है पर मीटर, उस मीटर क्यूब उस हिसाब से आपसे वसूली की जाती है। तो ऐसे ही फॉर द फार्मर्स देयर आर सर्टन मेजरिंग डिवाइसेस, एज यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू दे आर कॉल्ड एज द, यू ऑल नो इन योर फ्लूइड मैकेनिक्स यू लर्नड अबाउट देम, they are the standing wave flume, SWF जिसको बोलते हैं, venturi flumes or certain arrangement for the if the water is flowing through the pipes under pressure, तो वो उसके लिए जो मीटर रहते हैं वो जैसे हमारे घरों में रहते हैं, या ओपन चैनल फ्लो है तो SWF by reducing the discharge the volume is worked out. And the agriculturist or farmers are charged based upon the per meter cube, per liter charges
एंड दैट वाटर सप्लाइड इज मेजर्ड वॉल्यूमेट्रिकली विद द हेल्प ऑफ द वेरियस मीटर्स और द इक्विपमेंट्स. असेसमेंट ऑन सीजनल बेसिस, द रेट ऑफ असेसमेंट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप सोन और ग्रोन इन ए पर्टिकुलर ट्रैक्ट ड्यूरिंग सर्टन क्रॉप सीजन. दिस मेथड इज नॉट वोग इन इंडिया. हमारे भारत में इसको नहीं करते. फिर भी जैसे कि खरीफ सीजन है, रबी सीजन है, समर सीजन है ना, आगे में हम पढ़ेंगे भी व्हाट इज खरीफ रबी एक्सेट्रा, यू ऑल नो दैट. तो वो हर एक सीजन में, या विंटर सीजन या समर है या रेनी सीजन है, तो इसमें हाउ मच वाटर आर बेस्ड ऑन दैट सीजन हर हेक्टर के लिए, हर एकड़ के लिए कोई चार्ज हम फिक्स कर देंगे, 100 रुपए पर हेक्टर, 100 रुपए पर एकड़ इन दैट सीजन. जैसे समर है तो ज्यादा पानी लगेगा तो वो 200 रुपए करेंगे उसमें, तो 200 रुपीज पर एकड़. तो दैट चार्जेस आर दैट हैज बीन रिकवर्ड बाय द थ्रू द फार्मर फॉर इरिगेशन वाटर सप्लाई इज कॉल्ड एज द असेसमेंट ऑन सीजनल बेसिस. एंड द कंपोजिट रेट बेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वाटर चार्जेस एंड लैंड रेवेन्यू. ठीक है, ये जनरली एक्चुअली लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट. वो जो तलाठी या पटवारी वगैरह रहता है वो ये कलेक्ट करता है, और वाटर चार्जेस इरिगेशन डिपार्टमेंट करता है. लेकिन एक आधे बार कंपोजिट रेट बेसिस में लैंड रेवेन्यू प्लस वाटर चार्जेस आर रिकवर्ड थ्रू द फार्मर बाय द फ्रॉम द फार्मर बाय सर्टन स्टैंडर्ड मीन्स. परमानेंट असेसमेंट और बेटरमेंट लेवी बेसिस द कल्टीवेटर्स इन मे हैव देयर ओन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई अंडर ऑर्डिनरी एंड मे नॉट यूज वाटर फ्रॉम द कैनाल विच हैज बीन अलाइंड इन दैट एरिया ओनली टू प्रोटेक्ट इट इन ड्रॉट पीरियड. The far levied at the every year due to such provisions, such a levy is known as betterment levy. है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि एकादे फार्मर के पास में वेल रहती है, ओपन वेल रहती है, ट्यूब वेल रहती है, और उसमें पानी बहुत ज्यादा रहता है, तो वो क्या करता है, कैनाल से पानी नहीं लेता हो. लेकिन ऐसे इसमें उसको वो उसकी वेल जो है, ओपन वेल है या बोर वेल है, इसका तो वाटर लेवल या वाटर टेबल कैनाल के पानी से बढ़ता ही है ना, तो इसलिए सम चार्जेस आर रिकवर्ड फ्रॉम दैट फार्मर दो ही इज नॉट टेकिंग डायरेक्टली द इरिगेशन वाटर फ्रॉम द कैनाल. उसको बोलते हैं परमानेंट असेसमेंट और बेटरमेंट लेवी बेसिस. और अभी जो वेरियस मेथड्स दैट हैज बीन एडॉप्टेड इन अवर इंडिया आर द कॉल्ड एज द वाराबंदी मेथड. अंडर दिस सिस्टम ईच शेयर होल्डर इज गिवन हिज टर्न इन आवर्स अकॉर्डिंग टू एरिया आउट ऑफ द 7 days इन एब्सेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज डन बाय द कल्टिवेटर्स देमसेल्व्स. बहुत इसमें अभी काम चालू है, अच्छा कोऑपरेटिव बेसिस पे. उसमें से एक वाराबंदी या बाराबंदी करके बोलते हैं, और उसमें वो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन and the canal system, part of the canal system is also given to the farmers and they operate on cooperative basis for the 7 days and supply the water. Chalo aage jaate hain, humne assessment ke 5 method dekhe, sometimes they ask in exam. Aage chalte hain, according to our syllabus, principal crops and crop seasons. Theek hai, ye hamare syllabus mein hai. Being irrigation engineer, we should know that we to which type of the crop we have to supply the irrigation water. और ये आप सबको मालूम भी है बोला, ये कोई मैं नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ हम उसको चैनलाइज कर रहे हैं. सो प्रिंसिपल क्रॉप्स एंड क्रॉप सीजन्स. क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज. एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रॉप सीजन्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इरीगेशन रिक्वायरमेंट. वन बाय वन हम देखते हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप सीजन के हिसाब से क्लासिफिकेशन, और कितने पानी की जरूरत है उस हिसाब से इरिगेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लासिफिकेशन. एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन पहला, तो इसमें फील्ड क्रॉप जिसमें आएंगे व्हीट, राइस, जिसको हम मैजे बोलते हैं, या जो कॉर्न फ्लावर, बार्ली, ओट्स, ग्रेट मिलेट, स्पाइक्ड मिलेट, ग्राम, पल्सेस एक्सेट्रा. ठीक है, यानी जैसे जवार वगैरह है,
ये सब फील्ड क्रॉप में आ गए, व्हीट, राइस, मैजे, बारले, ओट्स, ग्रेट मिलेट्स, व्हाइट मिलेट, ग्राम पल्सेस एक्सेट्रा। सर्टन आर द कमर्शियल क्रॉप्स जो हमें कैश पैसा देते हैं, शुगर केन, कॉटन, टोबैको, हेम्प, शुगर, बीटरूट्स एक्सेट्रा। ओके, सो दीज आर कमर्शियल क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप्स जो क्रॉप में से हमें ऑयल मिलता है, खाने का जो तेल रहता है, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सीसेम, लिंसीड, कैस्टर, है ना, ये सब हो गई इसमें सब। ऑल दीज टाइप्स ऑफ दी क्रॉप्स। सोयाबीन भी डाल सकते हैं आप इसमें, सनफ्लावर भी डाल सकते हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल यानी जिसमें से हमें फ्रूट्स वगैरह या कुछ बेनिफिट, जैसे कंसिस्ट ऑफ द फ्रूट क्रॉप्स, वेरियस वेजिटेबल, सब्जियां वगैरह, फ्लावर क्रॉप्स, फूल वगैरह। प्लांटेशन, बहुत टी प्लांटेशन रहता है, कॉफी प्लांटेशन, कोको, कोकोनट, रबर, है ना, को केरला वगैरह जैसे उस तरफ हम जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, तो टी प्लांटेशन, कॉफी, रबर, कोकोनट वगैरह देखने को हमें मिलेगा। फॉरेज यानी जिसमें से हमारे जानवरों को खाद मिल सके, खाने की चीजें मिल सकते, जिसको चारा बोलते हैं मराठी में। सो फॉरेज यानी फॉडर, ग्रास एक्सेट्रा। मिसलेनियस क्रॉप्स सच एज द मेडिसिनल क्रॉप्स, एरोमेटिक क्रॉप्स, सीरिकल्चर, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। अदर टाइप मेडिसिनल है, उसमें से खुशबू देने वाले क्रॉप है, कुछ हमें सूती वस्त्र बनाने के लिए उसका तत्व लगते लीव्स, है ना, स्पाइसेस के लिए है। अभी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्रॉप सीजन, रबी क्रॉप और द विंटर क्रॉप, जो क्रॉप हम ठंड काले में लेते हैं उसको रबी क्रॉप करके बोलते हैं, आर सोन इन ऑटम और अक्टूबर एंड दे आर हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग मार्च। तो ये है वेरियस टाइप्स ऑफ द ग्रेन्स लाइक द व्हीट एक्सेट्रा, व्हीट, बार्ली, पीज, मस्टर्ड, टोबैको, पोटैटो एक्सेट्रा। खरीफ क्रॉप्स जो बरसात में हमारे यहाँ लेते हैं, मानसून क्रॉप्स, दे आर द राइस, मैजे, स्पाइक्ड मिलेट, ग्रेट मिलेट, पल्सेस, ग्राउंड नट एक्सेट्रा। पेरेनियल क्रॉप 12 महीने जो लेते हैं वो है शुगर केन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। 8 महीने लेते हैं, 8 मंथ क्रॉप, कॉटन एक्सेट्रा, ऑल दिस। ओके, सो दीज आर इन शॉर्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स बेस्ड ऑन द क्रॉपिंग पैटर्न और द क्रॉप सीजन। दीज आर दी टेबल गिव्स द प्रिंसिपल क्रॉप्स अलॉन्ग विद द क्रॉप सीजन, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर और द डेल्टा रिक्वायर्ड। ठीक है, ये जनरल नॉलेज के लिए। खरीफ क्रॉप में अलग अलग के लिए जैसे मकई यानी मैजे, मैंने जैसे कॉर्न बोला था आपको, बाजरा, स्पाइक मिलेट, जवार, ग्रेट मिलेट, पल्सेस एक्सेट्रा, इसके लिए कितना पानी लगता है, एवरेज डेप्थ, दैट इज विच वी कॉल एट द डेल्टा, और उसका पीरियड वगैरह है ये आपके इसमें भी दिया है मैंने नोट्स में, रबी क्रॉप्स के लिए, फॉर द वेरियस रबी क्रॉप्स। देन क्लास अगेन अनदर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इरिगेशन रिक्वायरमेंट, दैट इज द ड्राई क्रॉप, वेट क्रॉप एंड गार्डन क्रॉप। ड्राई क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर इरिगेशन, दे ओनली डिपेंड्स ऑन द रेन वाटर, है ना, जो जो मानसून का जो पानी रहता है सिर्फ उसके ऊपर वो डिपेंड रहते हैं, जैसे कि हमारा कॉटन है, जैसे कि सोयाबीन है ना, ये या तुअर है, तो ये दिस इज ऑल दोज आर ऑल यू कैन, या करडई है, सो ऑल दीज आर, या हमारे यहाँ जवस होता था पहले, ऑल दीज आर द ड्राई क्रॉप्स। वेट क्रॉप्स विच रिक्वायर वाटर विच कैनॉट ग्रो विदाउट इरीगेशन, यू कैन कॉल ऑल दोज कैश क्रॉप्स एक्सेट्रा, लाइक द राइस, लाइक द गेहूं, लाइक दी अदर फ्रूट्स क्रॉप्स एक्सेट्रा, ऑल दोज शुगर केन एक्सेट्रा। गार्डन क्रॉप्स रिक्वायर्स इरीगेशन थ्रू आउट द ईयर, जो हम बगीचे में जो खेती करते हैं। ओके, कुछ डेफिनेशन हमने पढ़े हैं उसको थोड़ा सा एक बार, कुछ को कुछ नए जो आए हैं उसको एक बार देख लेते हैं और आगे में चलते हैं। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तो हमने देखा है। पैलियो इरीगेशन इज समटाइम्स, बहुत बार हम इरिगेशन में सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग, उसको हमने बेस्ट पीरियड बोला था। जो फर्स्ट वाटरिंग है यानी बिफोर द क्रॉप इज सोन,
झाड़ लगाने के पहले या बिजाई का रोपण करने के पहले हमें खेती को पानी देना पड़ता है, जमीन गीली करना पड़ता है। दिस इरिगेशन इज कॉल्ड एज द पैलियो इरिगेशन। ओके, सो द इनिशियल बिफोर द क्रॉप इज सोन द लैंड इज वेरी ड्राई। इन सच केसेस द सॉइल इज मॉइस्चर्ड विथ वाटर एंड इट हेल्प्स इन सोइंग द क्रॉप्स। दिस इज कॉल्ड एज द पैलियो इरिगेशन। ए टर्म कोर वाटरिंग डिस्क्राइब वाटर गिवन टू क्रॉप व्हेन द प्लांट्स आर स्टिल यंग। इट इज यूजुअली द मैक्सिमम सिंगल वाटरिंग रिक्वायर्ड एंड अदर वाटरिंग्स आर डन। ये हमने कोर वाटरिंग देखा है। डेल्टा आप सबको मालूम है, ड्यूटी आप सबको मालूम है क्या है, और डेल्टा और ड्यूटी में क्या रिलेशन है। आउटलेट फैक्टर हमने देखा है, ट्रांसपीरेशन यू ऑल नो, इवेपोरेशन ऑल्सो वी हैव डन, इवेपो ट्रांसपीरेशन। सो ऑल दीज आर थिंग्स वी हैव डन, वी आर कंप्लीटिंग अवर यूनिट हियर। ओके, ऑल द थियोरटिकल पार्ट वी हैव फिनिश्ड, वी हैव सीन लॉट ऑफ द न्यूमरिकल्स ऑल्सो, द न्यूमरिकल ऑन ड्यूटी एंड डेल्टा। सम 5 or 10 minutes आर देयर, 5 minutes इज देयर, सो वी विल सी सम न्यूमरिकल ऑन डेल्टा एंड ड्यूटी। थियरी पार्ट वी हैव डन, वी नो दैट दैट डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बेस पीरियड बी अपॉन ड्यूटी। डेल्टा इज इन मीटर्स, बेस पीरियड इज इन डेज, एंड ड्यूटी इज इन हेक्टर पर क्यूमिक। ओके, दैट वी हैव, दैट डेरिवेशन वी हैव सीन, 1 क्यूमिक पर डे, दैट ऑल्सो वी हैव डन। सो द डेल्टा फॉर ए, फाइंड द डेल्टा फॉर ए क्रॉप, इट्स ड्यूटी फॉर द बेस पीरियड ऑफ 110 डेज इज 1400 hectares पर क्यूबिक। ठीक है, डेल्टा निकालना है, वी नो दैट इक्वेशन, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बेस पीरियड अपॉन ड्यूटी। बेस पीरियड इज 110 days, विच इज इन द सेम यूनिट वी नीड 110 days, एंड द ड्यूटी इज 1400 hectares पर क्यूबिक। तो हमने यदि 8.64 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 1400 निकाला तो वी विल गेट द ड्यूटी। यू कैन फाइंड इट आउट हियर। सो द बेस पीरियड इज 110 days, 1400 hectares, एंड बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज वी गेट द ड्यू डेल्टा एज 0.68 meter। ओके, नाउ यू इफ यू सॉल्व ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द आंसर फॉर दिस इज इन मीटर्स। If base period is in days and duty is in hectare per cumex, then the delta will be in meter. You can convert it either to centimeter or millimeter as you require. A crop requires a total depth of 92 centimeter of water. Means delta is given for a base period of 120 days. Find the duty. Again, using the same equation, base period 120 days, delta 92 centimeter converted to meter, 0.92 meter. So again, then duty is equal to 8.64 b, that is base period, upon delta. Again, putting all those values, base period in 120 days and delta in meters, so we will get 1127 hectares per cumec as the duty. Okay, such types of the example are asked in exam, huh? So please be conscious and practice the numericals given in the notes as well as at the beginning of the university exam paper I have given. So a very based on these basic two things and the concept of the duty, delta, outlet factor, etc., then a sub definition humne dekha hai, wilting coefficient, field capacity, etc., etc. ये सब का यूज करते हुए चलो आगे में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे रहते हैं। इरिगेशन कैनाल हैज ए ग्रॉस कमांड एरिया, है ना, हमने जीसीए पढ़ा है, पूरा कमांड एरिया जो एखादे कैनाल के अंडर आता है। इरिगेशन कैनाल हैज ए ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ 80,000 hectares, आउट ऑफ विच 85% इज कल्चरेबल इरिगेबल। यानी हमने देखा कि पूरा ग्रॉस कमांड एरिया को हम इरिगेट नहीं कर सकते क्योंकि जीसीए में बहुत सारे टाउन्स आते हैं, एखादा टैंक आता है, तालाब आता है, एखादे बार एखादा क्रीमेशन ग्राउंड आता है, एखादी वेल आती है, लेकिन टू द जीसीए वी कैन सप्लाई वाटर बाय ग्रेविटी थ्रू द कैनाल। सो देयरफॉर वी कंसिडर जीसीए एज द ग्रॉस कमांड एरिया। लेकिन इसका
इन्होंने दिया है कल्चरेबल कमांड एरिया, मीन्स द लैंड टू विच वी कैन गिव द वॉटर एक्चुअली इज 85%। सो सीसीए इज 85% ऑफ 80,000, ये हमारे ध्यान में आना चाहिए। अब ये इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर करीफ सीजन इज 30% एंड फॉर रबी सीजन इज 60%। सो फाइंड द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द कैनाल इफ द ड्यूटी एट इट्स हेड इज 800 हेक्टर्स पर क्यूबेक्स फॉर खरीफ सीजन एंड 1700 हेक्टर्स पर क्यूमेक्स फॉर रबी सीजन, है ना। इस टाइप के एग्जाम्पल 100% बहुत बार एग्जाम में आते हैं और कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हमें कंसेप्ट समझते हुए जो मैंने पढ़ाया उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे जाना है। जैसे हमें दिया है कि ग्रॉस कमांड एरिया 80,000 हेक्टर है, तो इसका कल्चरेबल कमांड एरिया हमें बताया है कि वो 85% है। सो 85% ऑफ 80,000 इज 68,000 इज द लैंड टू विच वी कैन सप्लाई द वॉटर और वी कैन एक्चुअली इरीगेट। सो इट इज द कल्चरेबल कमांड एरिया, एक्चुअल एरिया टू बी इरीगेटेड इज 68,000। अब क्या दिया है, अब इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिए। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन इज नथिंग बट द परसेंटेज ऑफ द लैंड दैट हैज बीन इरीगेटेड इन ए पर्टिकुलर सीजन फॉर ए पर्टिकुलर और फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप परसेंटेज। तो ये जो 68,000 है, इसका 60%, इसका 30% खरीफ में, खरीफ और रबी हमने पढ़ा, खरीफ यानी जो बरसात में इरिगेशन होता है और क्रॉप होता है दैट इज कॉल्ड एज द खरीफ क्रॉप, एंड इन द विंटर द क्रॉप टेकन इज कॉल्ड एज द रबी क्रॉप। तो खरीफ में ये जो 80,000 है, इसका 30% ही क्रॉप निकलता है, यानी जितनी 68,000 के 30% इज द लैंड अंडर द खरीफ सीजन, दैट इज 30% ऑफ 68%, 68,000 विच इज 20,400 हेक्टर्स, एज वेल एज इन रबी सीजन 60% लैंड इज क्रॉप्ड अंडर द रबी क्रॉप्स आउट ऑफ द 68,000। तो इसलिए 60% ऑफ 68,000 इज 40,800। ठीक है, देखो कैसा न्यूमेरिकल सॉल्व करना, बेसिक समझते हुए वो समझते जाना। अब क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द एरिया इरिगेटेड इन रबी सीजन टू दैट खरीफ सीजन इज नोन एज क्रॉप रेशियो। उसका हमें अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी वो क्रॉप रेशियो समझने के लिए अभी उन्होंने सिर्फ बताया है, लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंट है, वॉटर रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द कैनाल टू इरीगेट द लैंड अंडर खरीफ सीजन। तो खरीफ सीजन में भी 20,400 हेक्टर को हमें इरीगेट करना है, और जो एट द हेड ऑफ द कैनाल द ड्यूटी, ड्यूटी जो दिया है वो 800 हेक्टर्स पर क्यूमेक्स है, यानी खरीफ सीजन में हम 800 हेक्टर खेती को पूरे खरीफ सीजन में एक क्यूमेक पानी से गीले कर सकते हैं। ठीक है, 800 हेक्टर को, तो इसलिए पानी कितना लगेगा, 20,400, 20,400 डिवाइडेड बाय 800, दैट इज 800 हेक्टर्स पर क्यूमेक्स, यानी एक क्यूमेक से 800 हेक्टर, या 800 हेक्टर के लिए एक क्यूमेक्स, तो 20,400 हेक्टर के लिए कितना, तो 20,400 डिवाइडेड बाय 800, दैट इज 25.5 क्यूमेक्स इज द वॉटर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द खरीफ सीजन फॉर 20,400 हेक्टर्स। क्योंकि वॉटर की इरीगेटिंग कैपेसिटी क्या है, एक क्यूमेक्स वॉटर की इरीगेटिंग कैपेसिटी है 800 हेक्टर्स, दैट इज द ड्यूटी ऑफ एट द हेड ऑफ द कैनाल ड्यूरिंग खरीफ सीजन। ये कंसेप्ट समझना है। अब रबी सीजन में क्या है, दैट ड्यूटी हैज इंक्रीज्ड, दैट इज 1700 हेक्टर्स पर क्यूमेक्स। तो रबी सीजन में खेती कितनी इरीगेट करना है, 40,800। सो 40,800 डिवाइडेड बाय 1700, दैट इज 24 क्यूमेक्स इज द वॉटर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द रबी सीजन थ्रू द कैनाल। अब खरीफ में लगता है 25.5, रबी में लगता है 24, दोनों तो एक साथ करते हैं क्या, खरीफ यानी क्या हो गया बरसात का इरिगेशन और रबी यानी हो गया विंटर सीजन का। तो कैनाल से हमें यदि पानी देना है
तो कैनाल से हम जो इसमें से ज्यादा होगा उतना पानी के लिए कैनाल डिजाइन करेंगे, 24 के लिए करेंगे तो कैनाल में से 25.5 जाएगा क्या? नहीं जाएगा. सो आउट ऑफ दिस टू विच एवर इज मैक्सिमम दैट फॉर दैट वी विल डिजाइन द कैनाल. ठीक है. सो टुडे वी विल टेक द ब्रेक हियर. हियर वी आर फिनिशिंग द यूनिट नंबर 1. नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 2. ये दो चार एग्जाम्पल लगे तो हम बाद में देख लेते हैं अगले बार. आप ये लगे तो होमवर्क के लिए कीजिए, समझ लीजिए. जब तक अनलेस एंड अंटिल यू विल नॉट अंडर सॉल्व द न्यूमेरिकल यू विल नॉट अंडरस्टैंड. दे आर नॉट डिफिकल्ट. अगेन इट विल बी माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट दे आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट.